गेहूं, सरसों और दलहन के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फसल वर्ष 2022-23 के चालू रबी सत्र में अब तक 54,000 हेक्टेयर रकबे में गेहूं बोया गया है। यह एक साल पहले की समान अवधि के 34,000 हेक्टेयर के रकबे से 59% अधिक है। रबी सत्र की मुख्य फसल गेहूं की बुआई अक्टूबर में शुरू होती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। इसके अलावा चना और सरसों रबी मौसम के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। बुआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में गेहूं की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। इस रबी सत्र में 28 अक्टूबर तक सभी रबी फसलों का कुल रकबा 37.75 लाख हेक्टेयर रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि के 27.24 लाख हेक्टेयर से अधिक है। खरीफ फसलों की कटाई के बाद जमीन साफ होने के बाद आने वाले हफ्तों में उम्मीद की जा रही है कि बुआई में और तेजी आ सकती है। इसी के साथ आंकड़ों से पता चलता है कि 28 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में लगभग 39,000 हेक्टेयर तो उत्तराखंड में 9,000 हेक्टेयर और राजस्थान में 2,000 हेक्टेयर तो वहीं जम्मू कश्मीर में 1,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की जा चुकी है। दलहन की बुआई का रकबा इस रबी सत्र में अब तक 8.82 लाख हेक्टेयर हो गया है। ये एक समान पहले की अवधि की तुलना में 5.91 लाख हेक्टेयर था। दलहन में चने की बुआई एक साल पहले के 5.91 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 6.96 लाख हेक्टेयर में की गई है। वहीं सरसों का रकबा भी बढ़ा है। तिलहन के मामले में लगभग 19,69,000 हेक्टेयर में 6 प्रकार के तिलहन बोए गए। यह रकबा एक साल पहले की अवधि में 15,13,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें से अधिकांश रकबे में रैपसीड और सरसों की 18,99,000 हेक्टेयर में बुआई की गई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह रकबा 14,21,000 हेक्टेयर ही था। आंकड़ों से पता चलता है कि पहले के 2,31,000 हेक्टेयर के मुकाबले इस बार रबी सत्र के दौरान 4,68,000 हेक्टेयर में मोटे अनाजों की बुआई की गई है और ये एक साल पहले के 2,31,000 हेक्टेयर में बोया गया था। वहीं धान की बुआई 4,02,000 हेक्टेयर में की गई है, जो रकबा पहले 3,54,000 हेक्टेयर था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी आगे चलकर बुआई में और तेजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।